आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय एक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये जो अध्याय है कक्षा 10 की पहली अध्याय है। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और उसके समीकरण। तो देखिए, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील, यानी जो सभी चीजें लोहा का है, आर्द्र जलवायु में यानी कि नमीदार जलवायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, सोचिए फिर विचार कीजिए आखिर कैसे होता है, क्या होता है इस समय, भोजन पकाया जाता है, इस समय क्या होता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है तब क्या देखने को मिलता है, क्या होता है, हम सांस लेते हैं उस समय क्या होता है, मतलब इन विभिन्न परिस्थितियों पर आपको विचार करना है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। अभी ऊपर में जितने भी परिस्थितियां बताई है, इन सभी परिस्थितियों में एक चीज तो है, शुरू में वस्तु की प्रकृति कुछ और थी, पहचान कुछ और थी, बाद में उसकी प्रकृति बदल जा रही है, उसकी पहचान बदल जा रही है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। देखिए, हम लोग पीछे के क्लासेस में भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग पढ़ें। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब जिसमें चीजें बदल जाती, जिसकी गुण बदल जाती है, अब वही नहीं रहता है अभिक्रिया के बाद, मतलब अगर किसी पदार्थ में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बन गया, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया जानने का तरीका कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वास्तविक अर्थ को और कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्रियाकलाप 1.1 से पहले समझते हैं, पहले इसमें सावधानी दिया है तो समझते हैं क्या है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। तो देखिए, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए, जो साफ करने वाला होता है उससे आप पहले इसको साफ कीजिए रिबन को। इसे चिमटे से पकड़कर, देखिए इसको चिमटा से पकड़ना है, स्पिरिट लैम्प हो या बर्नर हो से इसका क्या करना है, दहन कीजिए, उसको जलाइए तथा इससे बनी राख को, जो राख बनेगा उसे वाच ग्लास में देखिए इकट्ठा कर लीजिए, 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। जब आप दहन कर रहे होते हैं मैग्नीशियम के रिबन को तो आंख से जितना संभव हो दूर रखने का उतना दूर रख के उसको जलाइए, मतलब दहन कीजिए। अब आपने क्या परीक्षण किया, तो हमने यही कह सकते हैं परीक्षण किए कि जब मैग्नीशियम जला, मैग्नीशियम का रिबन, तो अब वो नया पदार्थ बन चुका है जल के और वो पाउडर के रूप में प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में, यानी जलने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ
जब मैग्नीशियम जलता है, दहन होता है, तो पहले चमकदार सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है, सफ़ेद लौ के साथ जलता है और मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और जो चूर्ण हमें प्राप्त होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। आखिर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है कैसे बना है, तो मैग्नीशियम क्या किया, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, इसके कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब समझते हैं क्रियाकलाप 1.2। एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक परख नली में क्या करना है, लेड नाइट्रेट, लेड मतलब शीशा, लेड नाइट्रेट का घोल लेना है जिसको लिखते हैं NO3 है, उसके बाद हॉल 2 होगा, यह है लेड नाइट्रेट। चूंकि घोल है तो आप यहां AQ सूचित कीजिए, AQ मतलब एक्वस, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का घोल ये रहा PbNO3 हॉल 2। अब क्या करना है, देखिए इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है। तो पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, इसमें घोल बोला है तो फिर इसमें लिखेंगे AQ एक्वस। और फिर अब आपने क्या परीक्षण किया उसको नोट भी करना है, तो देखिए क्या मिलता है। तो ये PbNO3 हॉल 2, इसमें मिलाना है Ki, क्या बनेगा, बनेगा लेड आयोडाइड प्लस, और एक चीज बनेगा KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। अब चूंकि इसकी संख्या बराबर करना है तो यहाँ PbA, यहाँ भी PbA, यहाँ नाइट्रोजन कितना है तो नीचे 2 है, तो वो N के लिए भी है और O के लिए है, तो N हो गया 2, तो यहाँ तो नहीं है, इधर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 बैठा देंगे, तो इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, ठीक है, नाइट्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 और गुना 2 6 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ से आगे तक 2 से गुना 6 हो गया, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन बराबर हो चुका है। यहाँ के कितना है 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 बैठा देंगे, तो के बराबर हो गया, और ये 2 आई के लिए भी है तो यहाँ 2 आई हो गया, यहाँ यहाँ पर भी 2 आई है, अब यहाँ बराबर है दोनों तरफ, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग पाते हैं। अब क्रियाकलाप 1.3 में आते हैं। एक शंकुआकार फ्लास्क यानी कि ऐसे इस तरह का जो रहता है, ऐसे इस प्रकार का एक फ्लास्क लेना, शंकुआकार, रुके रुके ये थोड़ा हल्का सा और ऊपर से उठेगा, ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है। तो कहता है क्या, एक शंकुआकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, जो यहाँ पर देख सकते हैं दानेदार जिंक लिया है, जिंक यानी जस्ता। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ नहीं है तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कीजिए, यह भी आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। और देखिए जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या होता है, मतलब जिंक का दाना, दानेदार जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में क्या होता है, या जिंक के दाना और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में क्या होता है, जैसा कि चित्र यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। सावधानी बरतना है यहाँ पर, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। लिखा है क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, शंकुआकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। तो आइए समझते हैं,
तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जिंक, दानेदार जिंक, और इसमें मिलाते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अभिक्रिया होगा, क्या बनेगा? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा, और इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगा, और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलेगा। ठीक है, ये तो था सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब देखते हैं इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो Zn+HCl क्या बनेगा? ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और प्लस ऊष्मा। चूंकि ये संतुलित नहीं है तो यहाँ पर दो डालना पड़ेगा। हम लोग आने वाले भाग में संतुलित करना डिटेल से सीखेंगे, अभी हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि अभिक्रिया में दिया है उसको बताने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें भी ऊष्मा निकला, उससे पहले जो लिखे थे रिएक्शन उसमें भी ऊष्मा निकला, उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकला था, इसमें भी निकला है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से, जो आपको पता चलेगा, किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ चीज़ें देखने को मिलता है, और वो क्या है? अवस्था में परिवर्तन, यानी कि ठोस में है कि द्रव है कि गैस है, इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, मतलब इसमें गैस निकलेगा अभिक्रिया जब होगा तब, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मापदंड है, ये कुछ गुण हैं, अगर ये सब देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण, मतलब कैसे प्रतीक के रूप में, प्रतीक में कैसे उसे निरूपित करेंगे, अध्ययन करेंगे।